तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आप यहाँ पर अपने जीरोधा गाइड एप्लीकेशन में नॉमिनी कैसे ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप सभी को पता है होगा कि गवर्नमेंट का जो रूल आया हुआ है, 31 मार्च के पहले आपको अपने अकाउंट में जितने भी डीमैट अकाउंट है सभी में आपको नॉमिनी ऐड करना पड़ेगा। नॉमिनी नहीं ऐड करोगे तो आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको ट्रेडिंग करने या शेयर बाई सेल करने में काफ़ी समस्या आ सकती है। तो आपको क्या करना है, नॉमिनी किस प्रकार से ऐड करना है जीरोधा गाइड एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे, स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको एंड यहाँ पर देखिए, नीचे में आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक पोर्टफोलियो का ऑप्शन नज़र आएगा। पोर्टफोलियो के ऑप्शन में आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, ये आपके ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। देन आपको यहाँ ऊपर 3 डॉट का एक 3 लाइन मिलता है, इस पर क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक माई अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ जाता है, तो माई अकाउंट वाले ऑप्शन भी क्लिक करना है। सॉरी फ्रेंड, मैंने कॉर्पोरेट सेक्शन जो बताया, आपको माई अकाउंट वाले सेक्शन में आ जाना है। एंड यहाँ पर ये आपको देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लू टिक दिखेगा, ये ब्लू टिक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का विंडो ओपन हो जाएगा। नॉमिनीज़, तो नॉमिनी भी आ गया है आपको, जो एक नॉमिनी या दो नॉमिनी जो भी बनाना है, तो आप अपना नॉमिनी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए नॉमिनी आ गया है एंड यहाँ नीचे में आपको ऐड नॉमिनीज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। नॉमिनी का फर्स्ट नेम देना है, नॉमिनी का लास्ट नेम देना है, नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंड नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ देना है, फ्लैट हाउस बिल्डिंग एंड यहाँ पर स्ट्रेट एरिया विलेज पिन कोड सिटी देना है। पिन कोड जो दे दोगे तो आपका सिटी स्टेट एंड कंट्री ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और रिलेशनशिप भी क्या है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पर फादर मदर सिस्टर ब्रदर कुछ भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप परसेंटेज, अगर आप एक नॉमिनी बना रहे हो तो 100% भी दे सकते हो, मतलब ये नॉमिनी कितना, मतलब आपके परसेंटेज आप शेयर, मतलब कितना परसेंट आपका रहेगा जो भी आपका पोर्टफोलियो होगा, या शेयर आपने मतलब कितना परसेंट शेयर रहेगा जो भी आपने यहाँ पर इन्वेस्ट किया होगा। तो ये आप यहाँ पर अगर दो नॉमिनी 3 नॉमिनी ऐड कर रहे हो, दो नॉमिनी, तो आप 50-50% दे सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे 100 दे दिया। नॉमिनी आईडी प्रूफ में आपको पैन नंबर, पासपोर्ट, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एंड वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट जो देना हो दे सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने आधार सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पर आपको नॉमिनी प्रूफ आइडेंटिटी, मतलब यहाँ पर आपको जो भी आप दे रहे हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी दे रहे हो, यहाँ पर आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए आपने आधार का दे दिया है, तो आधार का जैसे कि आपने दे दिया, तो आधार जो भी आप अपना ई आधार डाउनलोड करते हो तो उसमें एक पासवर्ड रहता है, तो वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा ताकि वो पासवर्ड से ओपन हो सके। तो फ्रेंड ये देने के बाद आपको ऐड अदर नॉमिनी के ऑप्शन मिलेगा, चाहो तो एक और नॉमिनी ऐड कर सकते हो। इसके बाद आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर जैसे मैंने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, इसके बाद आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड देखिए यहाँ पर जैसे अपलोडिंग हो जाएगा, देन आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आप डीओ के वेबसाइट पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको जो है यहाँ प्रोसीड टू ई साइन करना होगा। जिस भी आधार नंबर से आपने, जिसके नाम से अकाउंट यहाँ पर ओपन किया था, उसका यहाँ पर आधार नंबर आपको डालकर यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पर ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका नॉमिनी जो है यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक बार चेक मार्क मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। वीआईडी आधार नंबर जो भी है आपके पास वहाँ पर एंटर करते के बाद सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को सिंपल से वेरीफाई कर देता है। तो देखिए इस प्रकार से आपको ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन में सिंपल सा क्लिक कर देना है, सक्सेस ओटीपी वेरीफाइड हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो है आपका देखिए साइन इन सक्सेसफुली हो चुका है। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए सक्सेस हो चुका है, तो आपका जो के बाद यहाँ पर नॉमिनी जो ऐड हो चुका है। एंड अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सेव एड्रेस सब कुछ हो चुका है, आपका नॉमिनी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर सबमिटेड हो चुका है। ये आपका जो भी लगेगा 24 से 48 आवर आपका नॉमिनी ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर आपने सभी डिटेल सही से भरे होंगे तो बस इतना सिंपल सा स्टेप था फ्रेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल टेक्निकल VFC को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड।